तो फाइनली गाड़ी की बैटरी आ गई चेंज करके। जिनको नहीं पता वो पिछला ब्लॉग जाके देख लें, स्कूटी में क्या दिक्कत आई थी, क्यों बैटरी एक्सचेंज हुई थी। सो वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल, आई होप यू गाय एक्सट्रीमली वेल। चलते हैं गाड़ी की बैटरी चेंज करवाने, तो मिलते हैं हर्ष भाई की दुकान पे, और हर्ष भाई को भी कैमरे में कुछ बातें, बड़े जोली बंदे यार हर्ष भाई अपने जो हैं, तो उनसे कुछ बातें करेंगे। रोजी भाई हर्ष भाई की दुकान पे तो आ गए बैटरी चेंज करवाने। तो दोस्तों गाड़ी की बैटरी रिप्लेसमेंट नहीं ओके है, गाड़ी की बैटरी ओके है, गाड़ी का जो चार्जर है स्कूटी का उसी में ही कुछ दिक्कत है। तो कंपनी वालों ने सर्टिफाई लेटर दे दिया कि अपनी बैटरी ओके, बैटरी में कोई दिक्कत नहीं है, जो जो भी मतलब मिस्टेक है गाड़ी के चार्जर में है। तो चार्जर चेक करवाते हैं कल जाके, और उसके बाद करवाना गाड़ी के शॉकरों का काम। तो आज जहां मैं बैटरी सही करवाने गया था वहां अपने जो हर्ष भाई हैं उनको कैमरे में कैप्चर करना चाहा, तो उन्होंने कैमरे में आने से मना कर दिया, क्योंकि भाई हर बंदा कैमरा फेस नहीं कर सकता, बड़े शर्मीले टाइप के हैं। मैं उन्होंने काम एक नंबर कर दिया है, अब अगला काम करवाना गाड़ी के शोकरों का, और जैसे ही सारे काम ओके हो जाएंगे तो काम जब खराब होना होता है तो सारे काम खराब होते जाते। तो भाई शोकर वाले के गया था, शोकर वाला भी नहीं मिला, और का जो चार्जर पता करना था वो भाई चार्जर भी नहीं मिला। चार्जर और शोकर का काम आज नहीं हो पाया, बरसात की वजह से मैकेनिक आया नहीं, और शोकर वाले ने बोल दिया कि शोकर नया डलेगा। तो दोस्तों अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी डेली का एक ब्लॉग डालूं, अगर डेली नहीं डाल पाया तो दो तीन दिन में एक। अगर आपकी गाड़ी की बैटरी स्ट्रांग है तो आप कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी लंबा टूर मार सकते हो। बैटरी स्ट्रांग नहीं है तो हमेशा रिस्क बना रहता है, तो कुछ इस वजह से भी मुझे लगा कि अगर बैटरी में दिक्कत है तो बैटरी चेंज करवाऊं, तो इसीलिए मैं बैटरी चेंज करवाने गया था। और बैटरी ओके थी, मेरे चार्जर में दिक्कत है स्कूटी के, तो वो दिखाऊंगा चार्जर मैकेनिक को, इलेक्ट्रिशियन को, तो वो ही बताएगा कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है, बाकी सब बढ़िया है। और ब्लॉग बहुत बढ़िया बन रहा है दोस्तों, कंटेंट नहीं मिल पा रहे तो कंटेंट ढूंढ ढूंढ के लाने पड़ते हैं। एक दिन कंटेंट बना लो, तीन दिन सोचना पड़ता है यार क्या बनाऊं क्या ना बनाऊं, कंटेंट ढूंढना पड़ता, मतलब कंटेंट की खोज में ऐसे जाना पड़ता है जो जंगल में शेर को पकड़ने हैं। तो आई होप जल्दी जल्दी मतलब कंटेंट का भी क्रिएटिव माइंड हो जाएगा, अभी स्टार्टिंग है ब्लॉगिंग में, तो धीरे धीरे सब ओके हो जाएगा। हर चीज के लिए टाइम लगता है, देखो कोई माँ के पेट से या बाप के पेट से सीख के नहीं आता, ठीक है ना। तो भाई ब्लॉग जैसी भी बन रही है तो आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत है, तो उसको लाइक करो डिसलाइक करो मैं कर देना यार, मैं भी न्यू कमर हूँ, मैं भी नो सिखिया हूँ, कोई मैं प्रोफेशनल ब्लॉगर नहीं हूँ, हाँ बट जितनी मेरी समझ से ब्लॉगिंग हो धीरे धीरे भाई गाते गाते गवैया बनेंगे, तो जिस दिन गवैया बन गए तो उस दिन तुम्हारा भाई सेलिब्रेशन करेगा, केक काटेगा। जैसन पाजी और उनकी पूरी टीम को लख लख बधाई है के टू के की सफलता पूर्वक जर्नी के लिए, तो लख लख खन्ना जी के लिए भी मोहब्बत वाला प्यार खन्ना जी, तुसे भी ग्रेट हो यार, मतलब पूरी टीम ही अल्टीमेट है जैसन पाजी तुम्हारी, जो तुमने के टू के की राइड करी है, मैंने पूरी आपकी जर्नी देखी है, कितना तुमने यार बरसात ठंड मतलब हर तरीके के मतलब चुनौतियों को पार करते हुए के टू के की मतलब राइड कंप्लीट करी भाई, सल्यूट है। मुझे तो ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कि मैं आपके साथ में के टू के की राइड कर रहा हूँ। तो पाजी आई विश ठीक ठाक अपना घर परिवार में पहुँचो और खूब इंजॉय करो, अगेन मुबारक बधाइयाँ के टू के की राइड के लिए। तो दोस्तों वीडियो का एंड यही करते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट, जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और ब्लॉग कैसा बन रहा है कुछ आपको चेंजेस नजर आ रहे होंगे फेस पे, कुछ लाइटिंग एक्स्ट्रा आ रही है, तो हाँ भाई धीरे धीरे जो अपना ऑनलाइन सामान परचेस किया था वो आना शुरू हो गया है, तो जल्दी आपको एक नया सेटअप मिलेगा तो दिखाऊंगा वो सेटअप भी। तो जब तक के लिए बाय, टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय 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 बाय।